नियमावली 2023 नियमावली नहीं है, तुगलकी फरमान है। जब नियुक्ति पत्र देने की बारी है बोले जाओ बीपीएससी से परीक्षा दो, ये तो गलत बात है, हम इसी का विरोध करने आए। हमने तय कर लिया है अब तेजस्वी यादव के खिलाफ सीधे बगावत होगा। हम लोग डरने वाले हैं क्या? शिक्षा मंत्री कभी भी शिक्षा की बात नहीं करते, तेजस्वी यादव कभी शिक्षा की बात नहीं करते, सब भूल गए वो। अभी इस राज्य में बैनर पोस्टर हम लोग देखेंगे वहाँ आग लगा देंगे सीधे। राजद का झंडा जहाँ भी देखेंगे उसका हम विरोध करेंगे। जवान लोग हैं, हमसे टकराएगा। इसके द्वारा ये चाहते हैं कि हम लोग को रोक नारे कब तक रोकिएगा? आप भी आइएगा, बाहर निकलिएगा ना, बाहर तो निकलिएगा ना वोटवा मांगने। तो आप समझिए, अगर हम लोग के साथ नाइंसाफी कीजिएगा तो फिर याद रखिए हम लोग भी आपको मजा चखाएंगे। मंत्री विधायक जी का घर घेराएगा, हर जहां आप चलिएगा वहां छेक लिया जाएगा आपको। सरकार होश में आ जाओ, और नहीं होश में आइएगा तो आपको सत्ता का जो नशा है सत्ता से उखाड़ फेंक देगा बिहार का जनता। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशफेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, एबिसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल, एशफेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। नमस्कार, एनबीसी 24 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए हमारे साथ अभी अनिल है, स्ट्रीट 19 के मेरिट अभ्यर्थी। अनिल, जिस तरीके से बहाली की बातें हो रही थी उसको देखते हुए नई नियमावली आ गई है, आप लोग लगातार बहाली की मांग कर रहे थे, नियमावली भी आ गई है, कितना इससे खुश है? और जिस तरीके से नियमावली आई उसके बाद आप लोग सड़क पे भी उतर। नियमावली 2023 नियमावली नहीं है, तुगलकी फरमान है। हम लोग 4 साल से 4 बार परीक्षा दिए, विज्ञापन के अनुसार फॉर्म भरे, और अब कह रही है जब नियुक्ति पत्र देने की बारी है बोले जाओ बीपीएससी से परीक्षा दो, ये तो गलत बात है, हम इसी का विरोध करने आए। और तेजस्वी यादव का सीधे विरोध होगा, आमना सामना होगा। हमने तय कर लिया है अब तेजस्वी यादव के खिलाफ सीधे बगावत होगा। हम लोग डरने वाले हैं क्या? अरे कृष्ण के वंशज हैं हम लोग, यदुवंशी हम लोग हैं, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। और देखिएगा आर पार की लड़ाई होगी, और हमारा बस एक ही विचार है कि हम लोग मेरिट में हैं, परीक्षा पास किए हैं, हमें नियुक्ति पत्र दो 30,675 और फिर सीट बढ़ा करके नॉट मेरिट का भी दो। हम किसी का विरोध करने नहीं आए हैं, हमारा आंदोलन केवल बिहार की भलाई के लिए है, एक बात याद कर लीजिएगा। और दूसरी बात एक और याद कर लीजिए, शिक्षा मंत्री कभी भी शिक्षा की बात नहीं करते, तेजस्वी यादव कभी शिक्षा की बात नहीं करते, सब भूल गए वो, 10 लाख का वादा भूल गए। तो अब हम लोगों ने भी तय कर लिया है, अब उनके खिलाफ भी अब सख्त कदम उठा लेंगे। और तेजस्वी यादव का जहां भी इस राज्य में बैनर पोस्टर हम लोग देखेंगे वहां आग लगा देंगे सीधे। आज नियमावली 23 का हमने दाह संस्कार कर दिया है, 2023 का हमने दाह संस्कार कर दिया है बस। और इसीलिए महोदय हम हाथ जोड़ करके विनती करते हैं सभी पत्रकार बंधुओं कि हमारा मसला को मजबूती के साथ उठाया जाए। अनिल जी, नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं, विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसा इंसान को जिसने पूरे बिहार को बर्बाद कर दिया, मजदूर की फैक्ट्री बना दिया, बिहार को किसी लायक नहीं छोड़ा, नेस्तनाबूत कर दिया, गरीबों को समाप्त कर दिया, पूरे नौजवान बेरोजगार बिहार में बैठा है, सभी राज्यों में जा करके मजदूरी कर रहा है, अपनी हाल गला रहा है, और ये विपक्षी एकता की बात कर रहा है इंसान। ये ठग फ्रॉड लोगों का एक टीम है जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और विरोध करते रहेंगे। तेजस्वी यादव का संदेश है कि तेजस्वी यादव का बैनर पोस्टर इस राज्य में जहां भी हम देखेंगे वहीं आग लगा देंगे। राजद का झंडा जहां भी देखेंगे उसका हम विरोध करेंगे। जवान लोग हैं, हमसे टकराएगा, जवानी जिधर चलेगा ना जमाना उधर चलेगा। और हम लोग मजबूत लोग हैं, हम लोग भीख नहीं मांगेंगे, हम लोग छीनना जानते हैं, शहीद आजम का रास्ता होगा हमारा। रुपेश हमारे साथ, रुपेश पुलिस रोक ली है, प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस ये तो सरकार का षड्यंत्र है कि जब भी हम लोग मांग करने आते हैं पुलिस को खड़ा कर देती है, लाठीचार्ज करवाती है, तो सब लोग जानता है, ये कोई छुपा हुआ बात तो है नहीं। पुलिस के द्वारा ये चाहते हैं कि हम लोग को रोक नारे कब तक रोकिएगा? आप भी आइएगा, बाहर निकलिएगा ना, बाहर तो निकलिएगा ना वोटवा मांगने, आए कि ना निकलिएगा, देखो सब आपको बताएंगे, मजा सिखाएंगे, पुलिस आपको कहाँ कहाँ बचाती है ये भी देखते हैं। आप चैलेंज कर देते हैं खुला कि आपको छेक छेक के घेरेंगे, बिहार के कोना कोना में जाइएगा ना वहाँ घेरेंगे, देखते हैं आपको भी, आपका अरे आप
बहुत हम लोग आपका आदर कर लिए, बहुत सम्मान कर लिए, लेकिन आप सम्मान का पात्र नहीं है। आप युवा थे, तेजस्वी जी से कहना चाहते हैं, आपसे बहुत उम्मीद था। अरे आप ही ना के कहे थे कि मेरिट में आप लोग हैं, आप लोग की नियुक्ति होनी चाहिए, भूल गए। और आप फिर से आयोग के द्वारा परीक्षा की बात करने लगे, परीक्षा थोड़ा डर लगता है, लेकिन हम लोग बिना परीक्षा के थोड़े आए हैं, परीक्षा देकर मेरिट लिस्ट में आए हैं। हम लोग परीक्षा से डर नहीं लगता है, हम लोग ऑलरेडी परीक्षा दे करके मेरिट में आए हुए हैं। तो आप समझिए, अगर हम लोग के साथ नाइंसाफी कीजिएगा तो फिर याद रखिए हम लोग भी आपको मदद चखाएंगे, बहुत जल्द मदद चखाएंगे। लगातार प्रदर्शन कर रहे थे शिक्षा मंत्री के आवास के पास, अब जाकर राजद कार्यालय के पास कर रहे हैं, क्या जरूरत आन पड़ी कि प्रदर्शन करना पड़ा? पूरे बिहार के बच्चे का भविष्य अधर में लटक गया इस नियमावली से। ये नियमावली काला फरमान लाया गया है सरकार के तरफ से, या काला फरमान का कड़ा विरोध है। सरकार सुन ले, आला अधिकारी सुन ले, ड्राफ्टिंग कमेटी सुन ले, इस काला फरमान नई नियमावली में जो एग्जाम की बात है उसको तत्काल प्रभाव से वापस नहीं लिया गया। आज के आज तो कल हम पूरे पटना को घेर लेंगे, साथ साथ मंत्री विधायक जी का घर घेराएगा, हर जहां आप चलिएगा वहां छेक लिया जाएगा, आपको चलने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये बहाली लेने के लिए नहीं, फंसाने के लिए आप लाए हैं। आप बिहार में 8 करोड़ बच्चे का भविष्य बर्बाद करने के लिए आप नियमावली लाई है, इसको आप वापस लीजिए। हम लोग ST 19 प्रतियोगिता परीक्षा हम पास कर चुके हैं, फिर परीक्षा क्यों? परीक्षा से नहीं डरते हैं हम अभी का भी परीक्षा पास कर जाएंगे, अभी एग्जाम पास कर जाएंगे, क्वेश्चन अभी दीजिए, लाइव टेस्ट। लेकिन ये बात नहीं है, 4 साल मेरा जीवन बर्बाद हुआ, अभी बिहार के बच्चे का भविष्य बर्बाद हो रहा है। एक भी शिक्षक नहीं 6421 विद्यालय में, तो उनका भविष्य क्यों बर्बाद कर रहे हैं परीक्षा के नाम से आप, फिर बहाली अटकाने के नाम से? बहाली अटकाने के लिए ये बहाली लाया गया नया नियम, नया नियमावली, इसमें एग्जाम के हम इसका विरोध करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं। देखिए पुलिस मेरा भाई है, पुलिस से हमको कोई विरोध नहीं है, सीधा सीधी बात है, सरकार होश में आ जाओ, और नहीं होश में आइएगा तो आपको सत्ता का जो नशा है सत्ता से उखाड़ फेंक देगा बिहार का जनता। किसी भी सूरत में आपका ये जो है ना तानाशाही तुगलकी फरमान नहीं चलने देंगे हम लोग, किसी हालत में नहीं स्वीकार है। कल हम पूरे पटना को घेर रहे हैं, चाहे जो हो जाए देख लेते हैं आप में कितना दम है, रोक लीजिए, और जेल में तो कितना शक्ति भर लीजिए, हम जेल जाने के लिए तैयार है, जान मार दीजिए, लेकिन हम लोग यह नियमावली को नहीं चलने देंगे। चलिए देखिए, नई नियमावली को नहीं चलने देंगे, स्ट्रीट 19 के ये तमाम मेरिटधारी अभ्यर्थी थे, अभ्यर्थी सड़क पर उतर गए हैं, तो वही अभ्यर्थियों का यह साफ कहना है कि नई नियमावली सही नहीं है, यह तुगलकी फरमान हम चलने नहीं देंगे, तो वहीं जेल में अगर डालिएगा तो हम जेल जाने के लिए तैयार है। तमाम अभ्यर्थी आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार है। क्या कुछ करते अभ्यर्थी आपने सुना है, राजद कार्यालय के बाहर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं सरकार के नई नियमावली का लगातार विरोध कर रहे हैं, और भी तमाम को रुक ले। NBC 24 के साथ बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद।